गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर वी फैम। अभी हम घर से निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, मैं और तुषार। तो यस अभी हम जाएंगे नानी का चश्मा बनवाने के लिए देना है, क्योंकि उनको नंबर एक्सटेंड हो चुका है 2.5। ओह माय गॉड हवा। तो यस अभी हम बाइक पे जा रहे हैं नंबर बनाने, और साथ में आज R15M की सर्विस भी है, तो अब हम सर्विस करवाने जाएंगे। एक्चुअली डेट बहुत पहले ड्यू हो चुकी है सर्विस, थर्ड सर्विस है शायद, तो उस कारण से एजेंसी में होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई वारंटी निकल चुकी है, तो हम बाहर से ही करवाएंगे सर्विस। और वैसे भी पठानकोट में यामा का शोरूम बंद हो चुका है, यहाँ पर कोई एजेंसी नहीं है। अब जब मैंने ली थी बाइक उसके बाद बंद हो गया, तो अब हमें सर्विस करवाने के लिए जाना पड़ता है मुकेरियाँ, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, 50 किलोमीटर के आसपास। तो इससे अच्छा ये इस पर करवा लो। तो हम जाएंगे सर्विस करवाने और साथ में चश्मा देने के लिए। चलो। तो तुषार परेशान हो चुका है कि मैं हर चीज़ पे व्लॉग कर रहा हूँ, करना पड़ता है भाई डेली व्लॉग में, और क्या करेंगे। तो यस गुप्ता ऑप्टिकल्स में हमने चश्मा दे दिया, अभी हम जा रहे हैं कहाँ सर्विस, ये यामा शोरूम जाएंगे, उसका सामान लेंगे। नहीं यहाँ सामान है, बस सर्विस सेंटर नहीं है ना ही एजेंसी है, तो सामान मिल जाएगा। तो हम अभी जाएंगे इंजन ऑयल वगैरह खरीदने, इसके बाद जाएंगे चीनी के पास। चीनी इज बाइकर बॉय पठानकोट में, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर सर्विस करवाएंगे, जहाँ मैंने भी करवाई थी अपनी बाइक की। सो यार लेट्स गो मैन गो। ऊपर देख वो बंद है। चलो बंद है, रुक जा। जो लो चुकी है यामा के शोरूम, गैस एजेंसी कह रहा, सॉरी यामा की एजेंसी आए थे हम सर्विस सेंटर पे, तो आज छुट्टी है, तो अब हमें जो फिल्टर चाहिए था वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे सर्विस कराएंगे वहाँ मिल ही जाएगा, देखते हैं बाकी। लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं बाइकर्स बॉय के पास, हमारी बाइक लग चुकी है यहाँ पे, तो सर्विस स्टार्ट होने लगी, लाइटनिंग बड़ी सही आ रही। तो हाँ एक और बाइक लगी वहाँ पे, कॉन्टिनेंटल GT और KTM, जिसका पेंट चल रहा है पेंट, और वो मॉडिफाई करने के लिए आई है इस वन, ये मॉडिफिकेशन के लिए आई है। भाई मुझे ये बाइक वैसे बहुत पसंद है, महंगी है थोड़ी बस। ये यहाँ पे KTM का पेंट चल रहा है, बॉडी पार्ट्स वगैरह सब पेंट हो रहे हैं, एंड ये रही हमारी बाइक, यहाँ पे चल रही है सर्विस, ये भैया कर रहे हैं। दिस इज कॉन्टिनेंटल GT फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, बहुत प्यारी। एंड या दिस हियर इज क्या कहते हैं बुल, रेड बुल स्टार्ट ना कर दी। US Sang, दिस इज 250 cc, 250 cc, हाँ 350 है, 650 नहीं यार लग नहीं रहा, आपको बताते रहेंगे। हाँ भाई की कराना चाहिए था, ब्रेक पैड पूछ लेने की, क्या ब्रेक था की क्या बस ठीक है, फिर रहने दे ब्रेक। और ये फिल्टर चेंज हो रहा है यहाँ से, पता नहीं इंजन ऑयल निकालेंगे क्या अभी, भैया इंजन ऑयल निकालेंगे यहाँ से। इंजन ऑयल कितना कौन है, मोटिवली सेमी सिंथेटिक, फुल्ली फुल्ली सिंथेटिक, सब तो वजिए मैं सैमी बोया शायद, मैं शायद सैमी बो, वो ब्रेक पैड होंगे सारा में। ये हुआ सैंग 650 GT 650R, भाई साहब कितनी प्यारी बाइक है, पर बेचारी यहाँ खड़ी है कितने, एक साल हो गया शायद, एक साल या कुछ मंथ पहले से खड़ी है, जब से मैं आया हूँ पहले भी देखी मैंने इसकी, एक्चुअली बैटरी उड़ चुकी है, पता नहीं सेल्फ नहीं चल रही, तो सामान इसका मिल नहीं रहा, पर कितनी प्यारी बाइक है यार ये देखो, सांड है सांड हमारी तो है ही है चलो, पर ये देखो कितनी प्यारी बाइक है, अगर ये भगाएंगे ना 650 इंजन, ओ माय गॉड कितना भागेगा, क्या बात। चलो क्या कह सकते हैं, जिसकी भी है गुड लक टू हिम, हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। फुली सिंथेटिक तेल और इंजन ऑयल डलेगा इसमें मॉड्यूल का, वैसे सबसे अगर बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहे, तो फुली सिंथेटिक ऑयल ही डलवाएं, क्योंकि उससे इंजन आपका बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी देगा। सेमी सिंथेटिक भी अच्छा है, अगर आप बजट में लेंगे तो सेमी सिंथेटिक लें,
और अगर आप थोड़े पैसे खर्च सकते हैं तो फुली सिंथेटिक। ओह माय गॉड, हार्ले डेविडसन इज हियर। सी आप आवाज़ सुन नहीं सकते होंगे मेरी, आवाज़ कम आ रही होगी इससे। चलो बट आई लाइक दिस वन और दिस वन, कॉन्टिनेंटल जीटी, लेट्स गो। सर्विस हो चुकी है डन आफ्टर टू टू थ्री आवर्स। अभी मक्खन जैसे चल रही, मैंने अभी ट्रायल लिया है तो मक्खन जैसे चल रही है अभी। चलो भाई ट्रायल लेके आ जाओ, खींचो खींचो। इंजन ऑयल और बस फिल्टर चेंज हुआ है छोटा सा इंजन का, अभी फ्रंट डिस्क का ऑयल भी डलवाया है। चलो चलते हैं अभी कहीं और देखते हैं, अभी चश्मा लेने जाएंगे सच। अभी हमने मम्मी का स्पेक्स ले लिए, रेडी है बिल्कुल। यस सर्विस भी हो चुकी है डन। अभी इतनी गर्मी लग रही है कि घर जाके एसी ऑन, हमने कॉल करके अभी कह दिया कि एसी ऑन कर दो, हम आ रहे हैं घर। तो यस अभी मैगी लेंगे बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगी है एंड बस कुछ नहीं, गर्मी है इसलिए हम मैगी खाएंगे, मन कर रहा बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं अभी सीधा, हैं ठंडा पीने का मन कर रहा है बस यार ऐसी। चलो अभी चलते हैं सीधा घर को, गर्मी पसीना। गाइस ये देखिए हमारा पुराना स्कूल आएगा, अभी आएगा, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है जूनियर सेक्शन की। ये आपको दिखाता हूँ उनको, ये बच्चे, ये हमारी यूनिफॉर्म। बड़ी सारी मेमोरीज जुड़ी है मेरी स्कूल से। किसी दिन सोचा था ब्लॉग करूँगा पर अभी कोई है नहीं साथ में, अकेले क्या ही करूँगा जाके। ये रहा मेरा स्कूल दिस वन। ओ भाई साहब भाई साहब, ये रहा, रुको अंदर से दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, एडजस्ट कर लो। ये वो रहा स्कूल, देख रहे कितनी भीड़ है हमारे स्कूल में। और ये मेरे भाई का स्कूल सामने, एकदम आमने सामने है। घटिया स्कूल वाज इज गुड स्कूल, हमारा स्कूल अच्छा पढ़ाई के मामले में। परसेंटेज की थी इसकी परसेंटेज, आप खुद सोच लो इसकी परसेंटेज, वहाँ जाके बड़ी नहीं है कम होगी इसकी। 58 तेरी 50% और मेरी 88 भाई। अब पढ़ने में ये भी अच्छा था, मैं भी अच्छा, पर मैं उधर जाके सुधर गया। ये भाई स्कूल वैसा है, अब क्या ही करे। ये माय गॉड, ये कौन सिखा रहे हैं एलेंट्रा? नहीं क्या बात है। तो यार चलो चलते कर, मैगी इज़ रेडी, अब खाएंगे मैगी। और ये पता नहीं कौन सी कंपनी की खा रहा है, घटिया कलर। ये देखिए कलर, येलो ब्राउन की मोटा मोटा दही। बस कर कि स्नैप आनी है। चलो खाते हैं। अब हम आ चुके हैं जिम, जिम लगाने। अभी रनिंग करके फ्री हुआ हूँ तो अभी मेरा टाइम है टायर पलटने का, तो अभी हम पलटाएंगे टायर, उसके बाद अंदर जिम। नहीं उसके बाद भी जिम नहीं है, उसके बाद 3 मेरी कार्डियो की एक्सरसाइज और है, उसके बाद जिम मेरी स्टार्ट होती है 1 घंटे बाद। तो मतलब 5 एक्सरसाइज मैं करता हूँ कार्डियो की और 5 मैं करता हूँ जिम, बिकॉज आई एम लूजिंग वेट। बट 2 दिन छुट्टी गई उस कारण मेरा 1 किलो फिर से बढ़ गया। कम, ये 1 किलो कम करना हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और यही अगर 1 किलो बढ़ाना है तो भाई 2 दिन छुट्टी करो बढ़ जाएगा। मेरा वही हुआ है, ऊपर से मैंने मीठा खा लिया। सो यह करते हैं जिम अभी। भाई ये क्या कर रहे हैं विले लोग जिम आके बस यही करते, पेड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। वो देख वो केड़ा ही चिकलू, केड़ा ही चिपकू मोमेंट, मूवमेंट मूवमेंट चिपकू मूवमेंट। हाँ मोदी ने, नहीं पता किसने चलाया, वो देखो रहन दे तेरी ग्रिप, पेड़ नु भी कवर नहीं कर रही। नहीं हो जानी है, कर नहीं दिया मैं। ओ रहन दे, वो है कीड़ियां भाई। ये मैं जिम ले रहा हूँ बाद में जब पैसे आ गए, यहाँ स्विमिंग पूल बनाऊंगा सबसे पहले। इतनी गर्मी, हमारे आइडियाज इतने मस्त है ना जिम के लिए। एक स्विमिंग पूल होगा वहाँ पे, एक जकूजी नहीं है, स्विमिंग पूल है तो जकूजी। एक वहाँ पे होगा हमारा स्पा रूम, मतलब जिम से आते बंदा स्पा लेगा, उसके बाद सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाए। मसाज रूम भी है, नहीं मसाज यही करेगा। No God please no no नहीं थाईलैंड तो ये देख। तो गाइस गौर से देखिए इस शख्स को, ये रुको, ये वाला इस आदमी से मिलिए। जब देखो जिम के अंदर नहीं आता ये,
जब देखो बाहर बैठा, बाहर बैठे बैठे जितने डोले बना लिए इसने पता नहीं स्टीरॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स लगाता है ऐसे ही। अगर सेहत अगर आपको चाहिए तो स्टीरॉइड्स लगाएं और कांटेक्ट करें कुणाल भाई। कुणाल भाई इसका नंबर है 1111, इसका कॉस्मेटिक ब्रांड है एक कुन्नू स्टीरॉइड्स। नहीं मेरी ऑडियो बुक्स भी आती है कुकू एफएम रेडियो। चलो अभी जिम हो चुकी है डन। ये देखिए आफ्टर प्री वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट ऐसे ही रहता है। चलो चलते हैं घर अब, चले लेट्स गो ब्रो। ब्रेसलेट मास्क सब अंदर आ पड़ा फिर चला गया। ये जिसकी भी ब्रेसलेट है वापस ले लो, अगर वो वीडियो देख रहे थे ब्रेसलेट वापस ले लो। संभाल ही नहीं जा रही है, बेकदरी कर रही है। यस ब्रो बैग भूल रहा है, ये देखो पढ़ाई भी भूल गया, सब भूल गया जिम के चक्कर में। कल से आप घर रहेंगे भाई साहब? ट्यूशन घुइया की ट्यूशन क्या करने जाता है ट्यूशन में? एक स्पेशल चीज आ रही है कुछ महीनों बाद। क्या आ रही है? जस्ट वेट, मुझे भी नहीं पता क्या आ रही है। जस्ट वेट, ये कैमरामैन को बाद में बताएंगे फिर तो आपको पता चलेगा। अच्छा अच्छा चलो हम भी वेट करते हैं भाई। लेट्स गो टू होम टू मच टायर। यस चल दिए, चलिए 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 एक करने। ओ यार वो देखो ये देख लो जिसकी भी है वापस ले जाओ। किसकी है ये? जिसकी भी है। लेडीज ब्रेसलेट कौन देता है पहले बताओ ये तो। लेडीज ब्रेसलेट एक आदमी को दिया है, उसको देर पे शक था इसलिए। ओ जा मम्मा फैंस प्रूफ करावा? नहीं नहीं नो प्रूफ। आप लाइव हो सकते हैं, अपने फैंस को दिखाएं, हमें नहीं। आईडी बैन कर रहा है। ये बैग वाला चक्कर बड़ा मारो। या लेट्स गो टू होम। बस 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 मैं कार चला रहा, बस तीन बारी कहता था, चार बारी कहता था। लेट्स गो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ भाई साहब, वापस फिर से बोले। गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बस चलो अभी चलते हैं घर। ये कौन सा स्टाइल है भीख मांग रहा है ये ब्लॉगर यार काम मुका रही है। एक मिनट पहले फोन डाल, देख जाना मेरी जेब फटी थी। नहीं दिखता वो, दिख जा नहीं दिखता आ देख। देखो भाई लोग दूसरों लोगों के हाथ जुड़वाते हैं, मैं इसकी कौन, मैंने इसकी कौन ही जुड़वा दी आज। मैं फड़ने नहीं, नहीं नहीं फड़ी ना। चल फिर चक फड़ फड़ चल निकल गेट आउट। इसकी ये जेब एक एक्सटर्नल जेब है, यहां से लालो नीचे से बाहर करते हैं। हां हेलो ओके मेरा फट गया। नहीं यार हाथ दे कहीं। गाइस देखो डैडी लग गया पार कर रही, मैं सुको बोरियां चक्कियां मतलब ठीक ठीक फिर थैंक यू कहन दे ये मजाक ब्लॉगर बंदा। नहीं काम क्या है नु कैमरा खोल लेंदा कोई मिलता है कैमरा खोल लेता रोटी का कैमरा खोल लेंदा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए ये दो लोग घर से बेघर हो चुके हैं आधी रात को। सनी सनी ऊपर देख, ये देखो ये बेघर है, इसको घर से निकला, आपको हो सकता दिख रहा हो। अब हम चलते हैं अंदर सोने के लिए। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा बिकॉज मैंने सिर पे मसाज करवाई है, हेड मसाज एंड फुल ऑन तेल लगा हुआ मेरे बालों में, इसलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। मैं नहीं दिखाऊंगा। सो यस ये देखिए यहाँ पे मसाज पार्लर खुल चुका है। ये देखिए बिल्ले लो, ओहो एक थी डायन वन मैन आर्मी यार। ये देखो ये वेटिंग लिस्ट में अभी जाओ, मुंह धो के आओ, आज मुंह की मसाज कराओ अपने बिल्ले। वो देखो डैडी भी मसाज कर, क्या बात है मसाज में साथ, थाईलैंड से कम नहीं है हमारा इंडिया। क्या आ गया ये शौक कब से पाल लिया आपने भाई साहब? ये कब से पाया बंदा एक रुपए के नोट के लिए रोड। जा भाई साहब तेल लगवाओ जल्दी। क्या हो गया, क्यों गया? म्यूजिक मैं तेरी ये क्लिप क्रॉप कर दूंगा, क्रॉप करूंगा क्रॉप। सीरियल मोड ऑन, लेट्स एंजॉय द नाइट, लेट्स गो लेट्स गो नाइट लाइफ बेबी। ग्रीन टी टाइम भाई साहब, ग्रीन टी कब तक बनेगी भाई साहब? बैठो बनेगी कितने टाइम तक? वो हम थोड़ा पर्सनल ज्यादा हो गया। हाँ जी सर भाई कबड्डे बड्डे कैमरा ऑफ है भाई, कैमरा ऑफ है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बर्थडे मनाते हैं। आजो चल। हाँ भाई
बन गई ग्रीन टी। शाबाश। देखो भाई सब ग्रीन टी में नींबू मिलाते हैं, कुछ ना कुछ मिला देते हैं। हम सिर्फ पैकेट मिलाते हैं और पानी नहीं। मैं रुक तो जा बे, की हो गया कपड़ा फेर रहे हैं। चलो चलो शाबाश। क्या बनाया ये? इट्स डैमेज। क्या कहते हैं? डैमेज डैमेज डैमेज। एक होता है ग्रीन टी, इसमें कहीं भी ग्रीन कलर नहीं दिख रहा मुझे। हो ऐसा लग रहा है जो भाई गली में स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं ना, वो जब टांग उठाते हैं ना तो ये चीज निकलती है। ये इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, समझ रहे हो? मेरी है भाई एक। चलो इन वेलरों को दो। देखो ये देखो ये देखो, हेडफोन लगा के बैठे थी रात को। क्या बात क्या बात, सही है भाई लाइन सही है। कच्छ में पसीना और दिल में हसीना। गर्मी नहीं, गर्मियों में ऐसी लाइन सी आती है। सीना भी जलती है।